वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी 3 अमेजिंग फेस पैक्स। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है या आपकी स्किन नॉर्मल है ना, तो इन तीनों स्किन टाइप्स के लिए मैं आपको फेस पैक्स बनाना सिखाऊंगी और ये फेस पैक्स आपकी स्किन को ब्राइट बनाएंगे और स्मूथ बनाने में भी हेल्प करेंगे। और ये जो फेस पैक्स है ना, ये टीनेजर्स इजीली इस्तेमाल कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखो और वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइज, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ऑयली स्किन वालों के लिए फेस पैक बनाना सिखाऊंगी। और गाइज ये बात मैं एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जो फेस पैक्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, वो आपको आपके किचन में ही मिल जाएंगे, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो गाइज सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट चाहिए ना, वो यहाँ पर है मिंट, ठीक है। यहाँ पर हमें चाहिए पुदीना, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए लेमन, ठीक है, मैंने यहाँ पर 1/2 लेमन लिया है, और 1 टेबल स्पून ही चाहिए हमें मुल्तानी मिट्टी। अच्छा गाइज, अब जो पुदीने का जूस हमने कैसे निकालना है, इस तरीके से आपने पुदीने के जो पत्ते हैं ना वो तोड़ के इस तरीके से ना आपने उसको अच्छे तरीके से पीस लेना है, ठीक है। इसको पीसने के बाद ना इसका एक आपको जूस निकल आएगा, ठीक है। मैं इसको पीस के आपको दिखाती हूँ जी गाइज। तो यहाँ पर ये अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है, और अपना अब आपने क्या करना है, किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से ना इसका जूस निकाल के एक साफ बाउल में निकाल लेना है। मैंने बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे आप ये जूस देखें, इस तरीके से इस कलर का जो जूस है वो ना आपको मिल जाएगा, 1 टेबल स्पून जूस है ये। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे ये मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, और इसमें ऐड करेंगे 1/2 लेमन, ठीक है, 1 टेबल स्पून जितना आपने इसमें लेमन का जूस जो है वो डालना है। अच्छा जी, अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने, ठीक है। ये देखें, मिक्स करने के बाद ये इस तरह का जो पेस्ट है वो आपके पास रेडी होके आ जाएगा। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, और ये ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, ठीक है, अगर उनकी स्किन सेंसिटिव है या सेंसिटिव स्किन भी है ना उनकी ऑयली स्किन वालों की, तो भी ये जो है यूज़ कर सकते हैं जी गाइस। तो ये जो फेस पैक है वो रेडी हो गया है। इसको अब आप अपनी स्किन को अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद इसको अपनी स्किन पे, अच्छा जी, अब इसको आपने अपनी स्किन को क्लीन करके अच्छे तरीके से अपनी जो स्किन पे है वो लगाना है, ठीक है। ये आपकी स्किन की ऑयल को कंट्रोल करेगा, आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में हेल्प करेगा, और अगर आपको पिम्पल्स के बाद वो जो ब्लैक निशान हो जाते हैं उनको भी ख़त्म करने में हेल्प करेगा। मैंने इसको हाथ पे इसलिए लगा के दिखाया क्योंकि मेरी स्किन नॉर्मल स्किन है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए मैंने मास्क बनाया है, और इसको मैं आपको ड्राई करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, ऑलमोस्ट ये ड्राई हो चुका है, इसको अब आपने ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर लेना है। अच्छा जी, इस फेस पैक को मैंने ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर लिया है, और इसके रिज़ल्ट सच में बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आपको इसके मिलेंगे। और गाइस, ये आपकी ईचिंग की प्रॉब्लम को भी ख़त्म करेगा, और ये फेस पैक आपने वीक में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर लगाना है। ये आपकी ऑयली स्किन को मतलब नॉर्मल बना देगा, ना ज़्यादा ऑयली रहेगी आपकी स्किन, ना ज़्यादा नॉर्मल होगी। तो वीक में 2 से 3 दफ़ा आपने इस मास्क को ज़रूर। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको ड्राई स्किन वालों के लिए फेस पैक बनाना बताऊँगी, ठीक है। इसकी जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए 1 टेबल स्पून कॉफ़ी, जो पीसी हुई कॉफ़ी होती है वो आपको चाहिए। अगर आपके पास पीसी हुई नहीं है तो उसको थोड़ा सा आप पीस ले, तो इस तरह से जो कॉफ़ी है वो आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपको चाहिए यहाँ पे 1 टीस्पून हनी का, ठीक है, हनी जो आम होता है वही हनी यूज़ कर, आप कोई भी हनी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हनी 1 टीस्पून यहाँ पर इसके अंदर ऐड करेंगे, और जी इसके अंदर अब ऐड करेंगे कच्चा दूध, ठीक है।
कच्चा दूध कोशिश कीजिएगा कि आप कच्चा दूध ही ले, अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप पका हुआ दूध बॉयल जो होता है वो ले सकते हैं, या फिर डब्बे वाला जो होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कच्चा दूध ही यूज़ किया है। आप भी कोशिश कीजिएगा कच्चा दूध यूज़ करने का, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं, और इस तरह से आपके पास जो पेस्ट है वो रेडी हो जाएगा मास्क का। और इसको भी अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इसको भी मैं हाथ पे लगाऊंगी क्योंकि मेरी ना ज़्यादा ड्राई स्किन है ना ज़्यादा ऑयली है, मेरी नॉर्मल स्किन है। तो जो नॉर्मल स्किन वाला फेस पैक है वो मैं आपको अपने फेस पे लगा के दिखाऊंगी, लेकिन जिनकी स्किन जिनकी स्किन ज़्यादा ड्राई है वो ये फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। उनकी स्किन मतलब जिनकी स्किन ज़्यादा ड्राई है ना, ये उनकी स्किन को ब्राइट भी बनाएगा और मॉइस्चराइज भी रखेगा, ठीक है। तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए जो मास्क है वो बेस्ट है, और इसके जो रिजल्ट्स हैं ना वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, इसको आपने 5 से 10 मिनट तक लगा के रखना है, उसके बाद ठंडे पानी की हेल्प से आपने इसको वॉश कर लेने हैं, और जी इसके रिजल्ट्स आपको खुद ही पता लग जाएंगे कितने अच्छे हैं। अच्छा जी, नॉर्मल स्किन टाइप के लिए जो फेस पैक है उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको किचन में ही मिल जाएंगे। उसके लिए चाहिए आपको हाफ टमाटर, ठीक है। टमाटर का आपने जूस जो है वो इस तरीके से निकाल लेना है, ईजीली निकल जाएगा, ठीक है। हाफ टमाटर ले लें और उसका इस तरीके से जूस निकाल लें। उसके बाद इसके अंदर आपने ऐड करना है ऑरेंज पील पाउडर 1 टेबल स्पून, और आपने इसमें अब ऐड करना है 2 चुटकी हल्दी ऐड करना है, और उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है रोज़ वाटर भी आपने 1 टेबल स्पून ही ऐड करना है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने। अच्छा जी, ये फेस पैक भी रेडी हो गया, अब मैं आपको इसको लगा के दिखाती हूँ। ये फेस पैक आपकी स्किन को ग्लोई और ब्राइट बनाने में हेल्प करेगा। ऑरेंज पील पाउडर जो है वो आपकी जो स्किन है उसको ड्राई होने से भी रोकेगा। अब आपने इसको अच्छे तरीके से अपने फेस पे लगाने। इसको लगा लिया, अब इसको आपने 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब ये ड्राई हो जाए तब आपने इसको ठंडे पानी की हेल्प से वॉश कर लेना है। जब तक ये मास्क सूख रहा है तब तक मैंने आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी थी गाइस कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। अच्छा गाइस, 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसको लगाए हुए और ये काफ़ी अच्छे तरीके से सूख भी गया। अब मैं आपको इसको वॉश करके जो इसके रिजल्ट्स हैं वो दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने वॉश कर लिया है और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने है, ठीक है। सब फेस पैक्स के रिजल्ट्स जो है ना वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मल स्किन वालों का फेस अच्छा मिलेगा, आपको तीनों टाइप्स के जो फेस पैक मैंने आपको बनाने सिखाए हैं इन तीनों के रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। और गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और मुझे अपना जो फीडबैक है वो कमेंट्स में दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।